देवांजलि मोइत्रा। भारत और सिंगापुर के संबंधों को विरासत बताने वाले पीएम मोदी लगातार विदेशों से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटे हुए हैं। सिंगापुर से तो हमेशा से ही भारत के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद महासागर और साउथ चाइना सी के बीच स्थित सिंगापुर को सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच पुराना सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध रहा है और अब इस संबंध को और ज्यादा बल देने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक समझौता हो गया है। दरअसल भारत अब सिंगापुर की मिसाइलों और रॉकेटों के परीक्षण और लॉन्चिंग के लिए चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की अपनी जगह सिंगापुर को देगा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को सिंगापुर के रॉकेटों, मिसाइलों और हवाई हथियारों के परीक्षण मूल्यांकन के लिए स्थापित किया है। इसकी वजह है कि द्वीपीय देश सिंगापुर में ऐसी सुविधाओं के लिए सीमित जगह है। दोनों देश एक दशक से ज्यादा वक्त से नियमित तौर पर आर्टिलरी एक्सरसाइज करते हैं। वैसे भी भारत बहुत पहले ही सिंगापुर के लिए एयरफोर्स और आर्टिलरी फायरिंग रेंज समेत अपने मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटरों को खोल चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब भारत अपने चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को किसी देश के लिए खोलने जा रहा है। ओडिशा के चांदीपुर में भारत की पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और आकाश नाग जैसे रणनीतिक हथियारों का परीक्षण होता रहा है और अब सिंगापुर की मिसाइलों और रॉकेट्स का लॉन्च भी यहीं से किया जाएगा। इस पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री हेन ने भारत का आभार जताया है। हेन कहते हैं, फाइटर ग्राउंड बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जैसी मिसाइल को सिंगापुर से फायर करना मुश्किल है क्योंकि हम छोटे देश हैं। इसीलिए हमें ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम भारत के आभारी हैं। भारत बड़ा देश है और उसका एरिया भी बड़ा है। हम इस सुविधा का रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। दरअसल चांदीपुर टेस्ट रेंज में डीआरडीओ का सुविधा से लैस टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर है, जो कि रॉकेट, मिसाइल और एयरबोर्न हथियार सिस्टम को सुरक्षित और भरोसेमंद लॉन्चिंग की सुविधा प्रदान करता है। एक छोटा देश होने और आइलैंड से घिरे होने की वजह से सिंगापुर के लिए इस तरह का मिसाइल टेस्ट करना संभव नहीं है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 से 20 दिसंबर तक सिंगापुर के दौरे पर थे और वहीं पर दोनों देशों के बीच मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग को लेकर ये समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी, सूचना का आदान प्रदान, भारत में छोटे सैटेलाइट का प्रक्षेपण, डेटा शेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर भी बात हुई। साथ ही राजनाथ सिंह ने आगामी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देखते हुए सिंगापुर को शोध, विकास और टेस्टिंग फैसिलिटी के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं सिंगापुर के रक्षा मंत्री हेन ने सहयोग के अवसरों को तलाशने पर भी भारत के साथ सहमति जताई।